पद्धतिसर प्राकृतिक खेती सौथी मोटी प्रभु पूजा अने भक्ति छे। राज्यपाल देवव्रत जी महर्षि दयानंद सरस्वती जन्मभूमि टंकारा शिष्य होवानु जणावी नमन कर्यु। खेडूतोने जमीननी प्राकृतिक खातर विषे विस्तृत माहिती आपी। हळवद मार्केटिंग यार्ड खाते प्राकृतिक कृषि शिबिरनु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ अवसरे गुजरातना राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी खास उपस्थित रह्या हता, जेमां तेओए परंपरागत खेतीनी उपयोगिता समजावी, कृषि क्षेत्रे उत्पादन वधारवा गौमूत्र अने गोबरनो उपयोग करवा खेडूतोने आह्वान कर्युं हतुं। आ उपरांत प्राकृतिक खेती ने ईश्वरीय कार्य साथे संकळावीने पद्धतिसरनी प्राकृतिक खेती ने सौथी मोटी भक्ति अने पूजा गणावी हती। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती जन आंदोलन गुजरात राज्य अने नंदन वन नर्मदा सिंचाई सहकारी मंडळी वेगड़वाओ तालुको हळवद द्वारा प्राकृतिक कृषि शिबिरनु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ प्रसंगे राज्यपाल आचार्य देवव्रतजीनी प्रेरक उपस्थितिमां कार्यक्रम योजायो हतो, जेमा राज्यपाल आचार्य देवव्रतजीए जणाव्युं हतुं के जो तमे पूरी लगनथी प्राकृतिक खेती करो तो ते बधाथी मोटी पूजा अने भक्ति छे। वधुमां तेमणे जणाव्युं हतुं के आजे लोको केन्सर, हार्ट अटेक सहित हजारो प्रकारनी बीमारीओ मानव शरीरमां घर करी गई छे। आ तमामना मूळमां खोटा प्रकारनी लाइफस्टाइल अने खोराक जवाबदार छे, जेथी लोकोने नवुं जीवन आपवा, प्रदूषण मुक्त वातावरण, पाणी बचाववा, जमीन जंगल बचाववा, आगामी पेढीने बंजर नहीं पण उपजाऊ जमीन प्रदान करवा, गौमातानुं संवर्धन करवाना संकल्प साथे तमाम लोको प्राकृतिक खेती अपनावे तेवी अपील राज्यपालजीए करी हती। वधुमां प्राकृतिक खेतीथी क्यारे उत्पादनमां घटाडो नहीं आवे अने सरकार पण ऑर्गेनिक खेत पेदाशना मार्केटिंगनी दिशामां आगळ वधी रही छे। राज्यपालजीए जणाव्युं हतुं के हुं पण परंपरागत खेडूत छुं, मारी खेती कुरुक्षेत्रमां आवेली छे ज्यां आजे पण गाय आधारित परंपरागत खेती करवामां आवे छे, जेमां मोटा पाये उत्पादन थाय छे। खेती क्षेत्रे पेदाशोनुं उत्पादन वधारवा गौमूत्र अने गायना गोबर उपयोग करवो जोईए, ते खूब ज लाभदायी निवडे छे। आ प्रसंगे जेठाभाई पटेल, एपीएमसी चेरमेन रणछोड़भाई पटेल, महंत दलसुख राममा बापु, प्रभुदास बापु, मोरबी जिला कलेक्टर, जिला पोलीस वडा सहितना उपस्थित रह्या हता। कोविड 19 वेक्सिन सलामत छे। 18 वर्षथी वधु उमरना लोको माटे कोविड 19 रसीकरण महाअभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षण, वेक्सिन तमारा शरीरने कोरोना वायरस संक्रमण सामे लड़वा तैयार करे छे। कोविड अनुरूप व्यवहारोनुं पालन करवामां समझदारी, कोरोनाने हरावा माटे रसी लेवी ए सौनी जवाबदारी। रसी लेवाथी તમે ફક્ત પોતાનું રક્ષણ નહીં પણ તમે તમારા કુટુંબનું અને વિશાળ જન સમુદાયનું રક્ષણ કરો છો। આ એક જ રસ્તો છે જેના થકી આપણે મહામારીને હરાવી શકીશું અને લોકોનો જીવન બચાવી શકીશું। રસી સલામત છે તેને મંજૂરી અપાઈ તે પહેલા હજારો લોકો પર અજમાવવામાં આવી છે। કોવિડ 19 ની રસી એ કોરોના વાયરસ સામેની લડાઈમાં બહુ મોટું પગલું છે, જે સંભવિતપણે અનેક હજારો જીવ બચાવશે। પોતાનું વેક્સિનેશન કરાવવા નજીકના રસીકરણ સ્થળનો સંપર્ક કરવો। આરોગ્ય શાખા, જિલ્લા પંચાયત, કચ્છ।